नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप शाह है। व्यवसाय से मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैंने काफी काम किया है और काफी कुछ इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में प्राप्त किया। एक परफेक्शनिस्ट होने की भी पूरी कोशिश की। परफेक्शनिस्ट होने में काफी तनाव आता था, काफी बहुत गहराई में जाने की कोशिश करते थे और शायद उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम थे ऐसे मैंने सोचा था। बचपन से मुझे सर्दी का प्रॉब्लम था। 365 दिन में से मान लो 300 सवा 300 सर्दी रहती ही थी। गैस का प्रॉब्लम, कब्ज का प्रॉब्लम एक कॉमन था, हेडेक एक कॉमन बीमारी थी मेरे लिए। ऐसे देखे जाए तो काफी बीमारी जो कॉमन थी वो मुझे लागू पड़ती है। एक बार मुझे एक एक्यूट हेडेक हो गया। संडे का दिन था, मैंने चेक करवाया एक दूसरे डॉक्टर के पास, तभी मुझे मेरा बीपी 130/230 बताया गया था। तब तक मुझे नॉर्मल बीपी भी पता नहीं था, व्हाट इज नॉर्मल बीपी। डॉक्टर ने बोल दिया आई एम एमबीबीएस डॉक्टर, आई नॉट इवन ट्रीट यू। फिर हॉस्पिटलाइज हुआ, खुराक चेंज हो गई, किसी ने बोला योगा करो, किसी ने बोला प्राणायाम करो, किसी ने बोला ये मत खाओ वो मत खाओ, ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, दवाई नहीं। बीपी कुछ कंट्रोल में तो आ गया लेकिन रेस्टलेसनेस रह गई। तो फिर मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हो गई। मेडिटेशन से फायदा हुआ, लाइफ के बहुत सारे इक्वेशन समझ में आए। प्रॉब्लम मेरे, मैं ही कारण हूं और निवारण भी मुझे ही करना है, ये भी समझ में आ गया। वो जर्नी से फायदा हुआ। लेकिन फिर देखा गया थोड़ी देर में मेरे कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम आ गए, ट्राइग्लिसराइड का ये प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज भी डिटेक्ट हो गया। अभी सबको था तो मैं सोचा मेरे को भी है, लेकिन अंदर से एक इंट्यूशन था कि मैं आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। एक आशावाद मेरे में अंदर था। मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर आई विल कम आउट ऑफ दिस डायबिटीज। डॉक्टर ने मेरा खाली मुंह देखा, फिर से लिखने चालू कर दिया, ये मत खाओ ये खाओ ये गोली लो, 3 महीने के बाद वापस आओ। तो जो आदमी ढूंढता है और सच्चे दिल से ढूंढता है उसको मिल ही जाता है। हमारे योगा में एक छोटा सा एक गेट टुगेदर जैसा या एक अवेयरनेस कैंपेन रखा था, वहां पे ये जो डाइट सिस्टम है उसके बारे में हमको छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिया गया था। फॉर्चुनेटली मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। आई वॉज 100% कन्विंस्ड। हम दोनों इसमें साथ में थे। स्टेयरकेस उतरते हमने दोनों ने डिसाइड किया कि वी विल गो फॉर इट। और मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, ब्लड थिनिंग की सब दवाई बंद करके स्टार्ट किया था। मैंने कोई डॉक्टर को भी नहीं बताया, हमारे रिलेशन में जितने भी है किसी को बताया नहीं। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर डायबिटीज ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए घर में सब किट वगैरह मंगवा ली, चालू कर दिया। देखा तो डायबिटीज फॉल हो रहा है धीरे धीरे, वो निकल गया, काफी रिजल्ट अच्छे मिले, ब्लड प्रेशर भी बढ़ नहीं रहा था, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, वेट भी घट रहा था। बट ये सब पता था तो इसका कोई इश्यू नहीं था। फिर जाके बाहर लेबोरेटरी में चेक करवाया तो वहां भी सब सही निकला, थकान दूर होने लगी, स्फूर्ति बढ़ने लगी। तो ये सब जब रिजल्ट मिलने लगे और फिर मैंने जाके डॉक्टर्स को भी बताना चालू किया और फिर उनसे डिस्कस भी किया तो दे ऑल्सो एग्रीड, यस इट इज फाइन बट टेक केयर, मतलब ठीक है करते रहे। फिर घर वालों ने मेरा एक बर्थडे जो है यही डाइट सिस्टम पे मनाया और उस दिन से हमने डिसाइड किया कि जो हमको मिराकुलस फायदा हुआ है वो औरों के भी होना चाहिए। तो घर का भी साथ सहयोग रहा, बच्चे भी साथ में थे, बहू भी साथ में थी और इस सरकार की वजह से हम आगे बढ़ते गए और हमारे से यथाशक्ति जो भी होता था वो सब हमने किया है ये कैंपेन के लिए, इसको फैलाव करने के लिए पूरे दिल से करते हैं। ये जो भी तप सेवा और सिमरन का जो काम है वो करते हैं। ये जितने भी मैं बीमारियां मैंने जो बताई वो सब चली गई मेरी। डायबिटीज नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया, थकान तो डिक्शनरी में से निकल गया, सर्दी मेरी गायब हो गई है, जो बॉडी में नमनेस थी वो भी चली गई है। सो आई एम रियली एक्सपीरियंसिंग ब्लिस। फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको समझिए, एक्सपीरियंस कीजिए और अपने लाइफ में लाइए और जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपका भी एक्सपीरियंस हो जाए।
यही हमारी शुभकामना है। और इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हुए हैं वो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सब अपने निस्वार्थ भाव से काम करते हैं तो उसकी भी एक प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो एक बड़ा आत्मिक आनंद होता है। उससे जो हार्मोन सिक्रेशन होते हैं बॉडी में वो भी बहुत सारी साइकोसोमेटिक बीमारियों उसको निकालता है। तो एक अद्भुत प्रक्रिया है जो कुदरत के नियम से जुड़ी हुई है। आप प्लीज इसको कीजिएगा। धन्यवाद।